दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल के कंपाउंड में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक पिता और पुत्र पर कार में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बेटे की मौत हो गई है, एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलियों की आवाज से गूंज उठे दिल्ली के लेडी हार्डिंग के स्टाफ क्वार्टर। सनसनी फैल गई पूरे इलाके में। देर रात हुई वारदात की खबर मिलते ही पुलिस भी आनन फानन में पहुंची। पता चला स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले सुभाष और उनके बेटे को गोली मार दी गई है। जैसा कि आरोप लग रहा है कि उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले बालकृष्ण और मनोज, जो कि ये लोग भी आपस में पिता पुत्र हैं, ये लोग जो हैं वो सुभाष और कैलाश को नीचे लाते हैं और नीचे लाने के बाद ठीक इसी जगह पर सुभाष को सबसे पहले गोली मारी जाती है। उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूरी पर कैलाश को गोली मारी जाती है। बताया ये जा रहा है कि मनोज जो है, जो कि इनका पड़ोसी है, वो अपने कुछ दोस्तों के साथ आया हुआ था और जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस की जांच में पता चला लेडी हार्डिंग अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले सुभाष और उनके बेटे कैलाश को उनके पड़ोसी बालकृष्ण ने नीचे बुलाया था। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक सुभाष को उनके पड़ोसी बालकृष्ण ने बातचीत के लिए पहले घर से नीचे बुलाया और फिर वहां मौजूद दूसरे बदमाशों की मदद से गोली मार दी। इसके बाद हमलावरों ने सुभाष के बेटे कैलाश को भी स्टाफ क्वार्टर के अंदर दौड़ाकर गोली मारी। ज्यादा खून बहने से कैलाश की मौत हो गई। मनोज चूंकि पहले से ही अपने साथियों के साथ यहां पर मौजूद रहता है, वो इस वारदात को अंजाम देता है, उसके बाद फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस का यही कहना है कि बालकृष्ण को हिरासत में लिया गया। आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पुलिस की टीम मौजूद है। साफ तौर पे पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का साफ तौर पे यही कहना है कि इन लोगों के बीच में आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी चल रही थी और यही वजह थी कि इस वारदात को अंजाम दिया गया। कलावती अस्पताल में मैनेजमेंट विभाग में काम करते हैं सुभाष। बालकृष्ण से उनकी पुरानी रंजिश थी। ये गोलीकांड भी उसका ही नतीजा माना जा रहा है। हालांकि पुलिस हत्याकांड की हर पहलू से जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस ने हत्याकांड के मुख्य आरोपी बालकृष्ण को हिरासत में ले लिया है और बालकृष्ण के बेटे मनोज समेत बाकी बदमाशों की तलाश कर रही है। अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक।